Hello friends, welcome to my channel. I am Akshay Pudulwar and you are watching Physics Corner. तो देखिए linear differential equation हो गया, उसके बाद में Bernoulli's equation हो गया, अब है homogeneous differential equation. देखिए तो homogeneous differential equation रहने के लिए कुछ conditions चाहिए. तो देखिए first condition to be homogeneous differential equation is that the differential equation should be of a first degree. जो कि given differential equation रहेगा वो first order और first degree का चाहिए. तो देखिए what is the general form of a homogeneous differential equation. देखिए m is a function of xy into dx plus n is a function of xy into dy equals to 0. तो देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, m xy dx equals to minus n into xy into dy. therefore देखिए ये इधर लाना है, यानी क्या बचा है, m into xy n into xy equals to what, minus dy by dx. तो देखिए this is the general homogeneous differential equation which is the standard form. इसको कह सकते हैं अपन standard form. तो देखिए पहले condition क्या है, first order and first degree, ये हो गया general differential equation. देखिए और दूसरी condition क्या है, देखिए ये जो कि m of xy and n of xy था, ये क्या चाहिए, r homogeneous function of same order. देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है m be the function of xy, n m equals to xy equals to x square plus xy लिख सकता हूँ, no. देखिए यहाँ पे जो x का order, x का power क्या है, 2 है, यहाँ पे x का power 1, y का power 1, यानी totally इसका power क्या हो गया, 2. और देखिए जो कि n of xy रहेगा वो भी कैसे रहेगा, सब y square plus xy, यहाँ पे कैसा है power, कैसा है same है. तो समझ में गया, यानी जो कि dy by dx equals to something रहेगा, function m be the function of xy and n be the function of xy are homogeneous function of the same order, उन दोनों के पास order कैसे रहने चाहिए same. ऐसा नहीं होगा कि देखिए अगर ये function रहा m be the function of xy and n be the, अगर यहाँ पे अगर function रहा n be the function of an xy, x cube plus 3x x cube plus 3x y square. तो देखिए ये पूरे function का जो power है वो 3 है, इसका 3 है, इसका 1, इसका 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 3, लेकिन इसका क्या हो गया है, m का क्या हो गया 2 और इसका क्या हो गया 3, यानी m जो ऊपर था उसका हो गया 2 यानी n जो नीचे था उसका हो गया 3. इट्स नॉट पॉसिबल, यानी ऐसा नहीं चाहिए. अगर इसका भी 2 रहा तो इसका भी 2 ही रहना चाहिए, इसका अगर 3 रहा तो इसका भी 3 रहना चाहिए. तो देखिए तीसरा पॉइंट बन जाएगा, पावर शुड बी सेम फॉर दी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि पावर कैसे चाहिए, सेम चाहिए. तो देखिए एक एग्जांपल लूँगा, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स. देखिए सॉल्यूशन होमोजीनियस के फॉर्म में है, देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू दिस. और देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहा तो उसमें कुछ अपने को पुटिंग करना है, तो वो पुटिंग क्या है, y इक्वल्स टू वी एक्स, दिस इज द पुटिंग फॉर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैच हो रहा है,
दूसरी कंडीशन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि जो m है जो कि फंक्शन एक्स वाई का है, और जो n है जो कि फंक्शन एक्स वाई का है, उसके ऑर्डर पावर कैसे चाहिए, सेम चाहिए। देखिए x की पावर क्या है, 1 है, y की पावर क्या है, 1 है, यानी टोटल m की पावर क्या है, 1, x की पावर क्या है, 1, जो कि m रहा और जो कि n रहा, उन दोनों की पावर कैसी है, सेम सेटिस्फाइड, यानी डिप जो कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फॉर्म में है, और ये जो कंडीशन लिख के दिया है वो भी है। तो देखिए फिर बाद में क्या क्या है, y इक्वल्स टू अपने को क्या करना है, vx, y इक्वल्स टू vx। तो पुटिंग करने के बाद जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसके साथ क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट dy बाय dx, या पी u इंटू वी का फॉर्मूला, v एज इट इज़ प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस एज इट इज़ v का डेरिवेटिव dv बाय dx। तो देखिए इसके जगह पर ये पुट कर सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स, राइट हैंड साइड में क्या बचा, x प्लस वाई की जगह क्या पुट करना है, v इंटू एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, तो बचा क्या है, 1 प्लस वी, नीचे क्या बचा, x x x गेट कैंसल, बचा क्या नहीं, x इंटू वी डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। देखिए ये v गेट कैंसल, x इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट, डी वी वाई का वी, एक्स नीचे आ गया, डी एक्स ऊपर चला गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। इसके बाद क्या करना है, टेक द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रल वी, इसका इंटीग्रल लॉग एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, लॉग सी भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो कि अपन ने देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वाई और एक्स के फॉर्म में था, तो सॉल्यूशन भी वाई और एक्स के फॉर्म में चाहिए, लेकिन अपन ने पुटिंग किया था वाई इक्वल्स टू वी एक्स, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, वाई बाई एक्स, ये क्या करना है इसके जगह रिप्लेस, वाई बाय एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग ए प्लस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ए इंटू, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगले लेक्चर से आप प्रॉब्लम चलेंगे, थैंक यू।